आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा सर, नहीं तो मैं आपको मारूंगा बहुत। और जब आप फेल होते हैं तो 99% आप कोचिंग को ब्लेम करते हैं, यार इन्होंने कायदे से पढ़ाया नहीं था। नहीं सर, जो काम आप एक साल में कर सकते हैं कोचिंग आपके उस काम को 4 महीने में करा देगी। आपने कहा सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ला। सर गलती हो गई, सॉरी सर, मैंने सोचा कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे ही निकल आया। जेन्युइन आंसर है। या मैं अगर आपसे कह दूं कि प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास, तो शायद आप दोबारा मुझसे मिलने ना आए। डॉक्टर अंबेडकर वॉज ह्यूमिलिएटेड एवरी डे, एवरी डे ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड द क्लास। यार जो क्लास में बैठते हैं उनका कंसेंट्रेशन नहीं बनता। आई इमेजिन अबाउट दैट पर्सनैलिटी कि उस आदमी के अंदर कितना दम रहा होगा। एवरी डे ह्यूमिलिएशन सर, आप कहीं जा रहे हैं आपको पता है कि आपको डेली आपकी बेइज्जती होगी डेली, लेकिन आप जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मिशन बड़ा है। बस वो चीज जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो एक कॉमन पर्सनैलिटी नहीं रहे होंगे। एवरी डे तो हम जो काम आप एक साल में कर सकते हैं कोचिंग आपके उस काम को 4 महीने में करा देगी। आप भी कर लेंगे, ऐसा नहीं आप नहीं कर पाएंगे। कोचिंग आप सोचेंगे बैठ के, वर्कआउट करेंगे, कोचिंग आपके उस एफर्ट को रिड्यूस कर देगी। अगर आपके पास, जैसे अभी इन्होंने कहा मेरे पास 3 साल का टाइम है, तो इनके पास टाइम है, ये चाहें तो 3 साल में अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आएंगे इस प्रोग्राम में तो आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा सर, नहीं तो मैं आपको मारूंगा बहुत। क्योंकि हम सबकी आदत है डिसिप्लिन। कोचिंग में जो बहुत सारी कोचिंग में जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग होती है वो ये होती है, कोचिंग में पढ़ाती तो है कोचिंग है, एक चीज कोचिंग में मिसिंग होती है, वो आपसे होमवर्क, आपके होमवर्क में ध्यान नहीं देती। जैसे मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया, अब आपने उसे घर पे तैयार किया या नहीं इस पे वो ध्यान नहीं देती। और जब आप फेल होते हैं तो 99% आप कोचिंग को ब्लेम करते हैं, यार इन्होंने कायदे से पढ़ाया नहीं था। नहीं सर, उन्होंने आपको कायदे से ही पढ़ाया होगा, लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया। एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो अपनी फेलियर को अपने ऊपर कभी नहीं लेना चाहता। इकरा ये आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देगी इस पूरे साल। कौन सा गिफ्ट? पनिशमेंट का। टेस्ट में नहीं आओगे तो 5,000 रुपए फाइन दोगे, किसी का तो फायदा हो, आपका नहीं हो मेरा तो हो, क्योंकि मैंने इन लोगों से कहा कि फाइन का जितना भी पैसा है वो मेरा, तो मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग ना दे टेस्ट। आपके पैर में दर्द है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप नहीं आ सकते। हाँ जेन्युइन रीजन है, ठीक है, वो तो आप देख पता ही चल जाता है लोगों से। सिंगल साहब ने कहा कि बस्सी साहब मेरे चेयरमैन थे, मुझे पता चल गया कि पुलिस वालों से झूठ बोलूंगा और परेशान होंगे। आपने कहा सर मैं ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल आया, पुलिस वाले ने वो तो तुरंत कहेगा कि सांस क्यों नहीं भूल आए घर पे, वो तो साथ में लेकर आए हो ना। आप 2 बजे रात में पूना में टहल रहे, पुलिस वालों ने रोका कि कहां टहल रहे हो, क्या साहब ऐसे ही टहल रहे, बहुत मारेंगे, ऐसे ही तुम्हारे मन में आएगा तुम किसी को मार भी दोगे। जेन्युइन रीजन बताओ कि सर आइसक्रीम खाने गए थे एमजी रोड पे। अच्छा ठीक, नहीं मारेंगे आपको, वो भी इंसान ही है सर, पर उनकी ट्रेनिंग, उनको पता है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। आपने कहा सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाए। आपने कहा सर गलती हो गई, सॉरी सर, मैंने सोचा कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे ही निकल आया। जेन्युइन आंसर है, क्योंकि ये पूरा गेम सिर्फ एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, क्लास वर्क एंड होमवर्क। जिसने क्लास वर्क के साथ होमवर्क कर लिया तो कोचिंग 80% सिलेबस पूरे साल में खत्म करती है, वो टारगेट होता है कोचिंग का, 100 कोई कर ही नहीं सकता। अब अप्रैल एंड में अगर आपने 80% सिलेबस पे आपका कमांड है तो 50% पे आपका सिलेक्शन होता है।